पिछले कार्यक्रम में हमने रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि देव द्वारा रचित 18 छंदों की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या प्रस्तुत की थी। प्रस्तुत कार्यक्रम में आलोच्य कवि देव के द्वारा अन्य चयनित छंदों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। हिंदी साहित्य में किसी भी काव्यांश की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ एवं उसके पश्चात प्रसंग बताना चाहिए, प्रसंग के पश्चात व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या के पश्चात काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा शैली, शब्द शक्ति, शब्द गुण, तुलनात्मकता तथा अन्य महत्वपूर्ण कोई बात हो तो वह बताना चाहिए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी पद्यांश में अंतर्निहित मनोविज्ञान अथवा दार्शनिक भावों को भी बताते हैं। मेख भये बिख भावे न भूखन भूख न भोजन की कछु इच्छी मीठे की साधु न सौंधी की साधन दूध सुधा दधी माखन छी छी चंदन तो चितियो नहीं जात छुभी चित माही चितौनी तीरी छी फूल जो सूल सिला समसेज बिछौवनी बीच बिछी मनो बिछी। आलोच्य छंद रीतिकाल के सुविख्यात कवि देव द्वारा रचित है। कार्यक्रम के इस भाग में व्याख्या किए जाने वाले सभी छंदों का संदर्भ यही रहेगा। आलोच्य छंद में कवि देव ने नायिका की विरह विदग्धता की स्थिति का वर्णन किया है। कवि कहता है कि विरह की आकुलता के कारण नायिका के लिए मेष राशि के शीतल दिवस वृष राशि के दिनों की तरह दाहक होकर तापदायक हो गए हैं। विरह की इस स्थिति में नायिका को आभूषण भूख और भोजन आदि किसी की भी इच्छा नहीं रही है। वह शीतल चंद्रमा मधु दूध दही मक्खन आदि को देखकर अनिच्छा से छी छी करने लगती है। चंदन की ओर तो वह देख ही नहीं पाती है। उसके चित्त में नायक की तिरछी चितवन ने छुपकर उसे आकुल बना दिया है। इस कारण उसे फूल कांटों की तरह कष्टदायक और विश्राम देने वाली सेज शिला के समान कठोर लगने लगी है। सेज पर बिछा हुआ बिछौना उसे ऐसे काटते हैं मानो उसमें बिच्छू बिछे हों। आलोच्य छंद में विरह का ऊहात्मक वर्णन है। इसमें अनुप्रास उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सांसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी तेज गयो गुन ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करी जीव रहियो मिली बेई की आसहु पास आकाश रहियो भरी जा दिन ते मुख फेरे हरे हंसी हेरी हुयो जू लियो हरीजू हरी। विरह के कारण नायिका मरणावस्था तक पहुंच गई है। अब वह केवल प्रियतम के दर्शन की आशा में ही जी रही है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से नायिका की इस दशा का वर्णन कर रही है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, वह नायिका विरह के कारण मरने की अवस्था तक पहुंच गई है। अपना मुंह घुमाकर हंसते हुए जिस दिन से कृष्ण ने उसके हृदय का हरण कर लिया है उस दिन से वह मिलने की आशा मात्र में अपने जीवन को स्थिर बनाए हुए है। नहीं तो अब तक उसका पंचतत्व से निर्मित शरीर कभी का नष्ट हो चुका होता। सांसें लेते हुए उसके शरीर से वायु तत्व का विनाश हो चुका है। अविरल अश्रुधारा बहाते बहाते उसका सारा जल तत्व ढलक गया है। तेज तत्व भी अपने गुण समेत विदा हो चुका है और उसके शरीर की कमजोरी और हल्कापन देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो
पृथ्वी का अंश भी उसके शरीर से निकल गया है और आकाश तत्व निकलकर शून्य आकाश के रूप में चारों ओर भर गया है। वियोग में नायिका नितांत कृशांगी हो गई है। अश्रुप्रवाह और दीर्घ उच्छ्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। अब उनका भी अभाव सा हो गया है। न वह सांस लेती है और न ही उसके नेत्रों से आंसू बहते हैं। उसको अपने चारों ओर शून्य आकाश ही दिखाई दे रहा है। उसका जीवन कभी का समाप्त हो गया होता, किंतु उसके प्राण अब भी इसी आशा में अटके हुए हैं कि शायद प्रियतम से एक बार ही सही प्रेम मिलन तो हो जाए। आलोच्य छंद में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और ध्वन्यात्मकता अलंकार है। जा दिनते मुख फेरे हरे हंसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी से स्पष्ट है कि नायिका पूर्वानुरागिनी है। एक बार की अपनी मुस्कान में उसके मन का हरण नायक ने कर लिया है और अब उसके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। यह विप्रलंब श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। बैठी कहा घरी मौन भटू, रंग भवन तुम्हें बिनु लागत सुनो, चातक लो तुम ही ररि देव, चकोर भयो चिनगी करी चूनो, साजु सुहाग की मांझ उदो, करी सौति सरोजन को बन लूनो, पावस ते उठी कीजिए चैत, अमावस से उठी कीजिए पुनो। प्रस्तुत छंद में मानवती नायिका की सखी उसे परामर्श देते हुए कह रही है कि वह अपना मान छोड़ते हुए व्यर्थ के आंसू न गिराए और प्रसन्न मुख से अपने प्रियतम का स्वागत करे। अपनी मानवती सखी को संबोधित करते हुए एक गोपी कहती है कि हे सखी, तुम यहाँ पर मौन धारण करके क्यों बैठी हुई हो? तुम्हारे बिना वह रति मंदिर जो तुम्हारे प्रेम की क्रीड़ा स्थली था अब सुना सुना सा लग रहा है। तुम्हारा प्रियतम चातक पक्षी की तरह तुम्हारा ही नाम रटता रहता है और तुम्हारे प्रेम विरह की चिंगारी चुगता हुआ चकोर पक्षी के समान हुआ जाता है। इसलिए है सखी, तू अपना मान छोड़ दे और अपने सुहाग की संध्या को उदित कर दे, जिससे तुम्हारी सौत रूपी कमलों का मुख मुरझा जाए। तू अपने इन सुंदर नेत्रों से अश्रु गिराकर वर्षा का यह दृश्य क्यों उपस्थित कर रही है? मैं कहती हूँ कि तू अब उठ और हंसते हुए अपनी मोहक हंसी से चैत मास की अमावस में चांदनी का प्रसार कर दे। इसका तात्पर्य यह है कि सखी नायिका को नायक के पास जाने के लिए उत्प्रेरित करती है, यह कहकर कि नायक तुम्हारे विरह में अश्रुधारा गिरा रहा है, उसे प्रफुल्लित करो और अपने मुखचंद्र से वहाँ के विरह रूपी अंधेरे को मिटाकर मिलन से प्रकाशमय कर दो। ब्रजभाषा में निबद्ध आलोच्य सवैया छंद में महाकवि देव ने मानवती नायिका का बहुत सुंदर चित्र अंकित किया है। इस छंद में चातक लो तुम ही ररी देव में उपमा अलंकार, चकोर भयो तथा सौति सरोजन में रूपक अलंकार की छटा है। इस छंद में नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रांकन हुआ है। धाई खोरी खोरी ते बधाई पिय आवन को, सुनी सुनी कोरी कोरी भावनी भरती है, मोरी मोरी बदन निहारती बिहार भूमि, घोरी घोरी आनंद घरी सी उगराती है, देव कर जोरी जोरी बदत सुरन गुरु, लोगनी की लोरी लोरी पायन परती है, तोरी तोरी भाल परे मोतिन की चौक, निवछावरो को छोरी छोरी भूकन धरती है। आलोच्य छंद में महाकवि देव ने आगत पतिका नायिका के प्रियतम के विदेश से आने के समाचार से उत्पन्न उल्लास की स्थिति का वर्णन किया है।
प्रियतम विदेश गया हुआ था, अब वह वापस आ रहा है। जब आगत पति का नायिका को गली गली से अपने स्नेही जनों के माध्यम से प्रियतम के आगमन का संदेश मिलता है, तो इस समाचार को सुनकर वह नायिका करोड़ों आनंदमय भावों से भर जाती है। वह अंगड़ाई लेते हुए बार बार अपने विहार स्थल को देखती है। वह अपने प्रिय के आगमन के समाचार से आनंद और आह्लाद में भर जाती है। वह हाथ जोड़कर अपने आराध्य देवों और अपने घर के बड़े बूढ़ों की कृतज्ञतापूर्वक वंदना करती है और उनके पैरों में लौटती है। वह अपनी मुक्तामाला को तोड़ तोड़ कर मोतियों का चौक पुरती है और अपने आभूषण उतार उतार कर न्योछावर करती है। आलोच्य छंद में आगम पति का नायिका के अपने प्रीतम से मिलने के उल्लास का वर्णन है। इस छंद में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश की छटा देखती ही बनती है। उधो आए श्याम को संदेशो लाए, सुनी गोप धाये धीर न धरत हैं, पौरी लगी दौरी उठी भौरी लो भ्रमति मती, गनती न काहू गुरु लोग न डरत हैं, वह गई विकल बाल बालम वियोग भरी, जोग की सुनत बात गात यो जरत है, भारी भये भूकन संभारे न परत अंग, आगे को धरत पग पछी को परत हैं। आलोच्य छंद में कवि देव ने उद्धव के आने पर गोपिकाओं की विरह व्याकुलता और उद्धव के द्वारा दिए गए योग का उपदेश सुनकर उनकी अधीरता का वर्णन किया है। जब ब्रज की गोपिकाओं को यह समाचार मिलता है कि मथुरा से श्याम का संदेश लेकर उद्धव ब्रज में आए हैं, तो अधीर होकर गोपियाँ उनके पास दौड़कर जाती हैं। वे गोपियाँ उस चबूतरे के पास तेजी से जाती हैं जहाँ उद्धव बैठे हुए थे। उन गोपिकाओं की बुद्धि भ्रमरीका के समान भ्रमित हो रही है। वे किसी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रख पा रही थी, केवल अपने गुरुजनों से डर रही थी। जब उद्धव ने उन्हें श्री कृष्ण से पुनः न मिल पाने की व्यवस्था बताई और उन्हें धैर्य धारण करने के लिए योग का संदेश दिया, तो वे सभी अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में भर गई और उद्धव के द्वारा कही गई योग की बातों से उनका सारा शरीर जल उठा। विरह वेदना के कारण उन्हें अपने आभूषण इतने भारी लगने लगे कि वे उनके शरीर पर संभाले भी नहीं संभल पा रहे थे। वे घर जाने के लिए आगे की ओर कदम बढ़ाती थी और उनके पैर पीछे की ओर पड़ जाते थे। प्रस्तुत छंद में गोपियों के प्रेम की व्याकुलता का बहुत सुंदर चित्र अंकित हुआ है। इस छंद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो गही सीखें हैं उधो जो गही के पात हम, सो न मन हाथ ब्रजनाथ साथ कह चुकी, देव पंच सायक नचाए खेली पंचन में, पंचहू करनी पंचामृत सो अचे चुकी, कुल वधु भय के हाय उल्टा कहाई अस, गोकुल में कुल में कलंक सिर ले चुकी, चित होत हित न हमारे नित और सो तो, वही चित चोर ही चितौत चित दे चुकी। उद्धव प्रसंग के अंतर्गत महाकवि देव ने उद्धव और गोपिकाओं के बीच के वार्तालाप को बहुत कुशलता के साथ शब्दांकित किया है। श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव ब्रज जाते हैं और गोपिकाओं को सगुण भक्ति छोड़कर निर्गुण भक्ति के तारतम्य में योग साधना का उपदेश देते हैं, तब उद्धव की बात सुनने के पश्चात गोपिकाएं योग साधना की व्यर्थता सिद्ध करती हैं।
गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपने बहुत भला किया जो हमें योग की शिक्षा दी, पर स्थिति अब यह है कि जिस मन को हम अपने वशीभूत करके योग को ग्रहण करें, वह मन अब हमारे वश में नहीं है। हमारे उस मन को तो पहले ही ब्रजनाथ श्री कृष्ण के पास भेज चुकी हैं। हम काम के द्वारा प्रेम मार्ग पर नचाई जा चुकी हैं और समाज के पंचों के बीच में अपने प्रेम को प्रकट कर खेल चुकी हैं और प्रेम के इस पंचामृत का पान भी कर चुकी हैं। इस कारण हम गोपियाँ कुलवधू होकर भी उल्टा कहलाने लगी हैं और अपने कुल और गोकुल के कलंक की गठरी अपने सिर पर ले चुकी हैं। इसलिए अब हमारा चित्त किसी दूसरे से प्रेम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। हम तो हमारे उस चित्त को चोरने वाले श्री कृष्ण को एक बार देखते ही अपना चित्त उन्हें दे चुकी हैं। इसलिए आपके निर्गुण भक्ति के लिए दूसरा चित्त कहाँ से लाएं? प्रस्तुत छंद में गोपिकाओं का वाक्चातुर्य और कृष्ण के प्रति उनकी अनन्यता का चित्रण बहुत सुंदरता से हुआ है। इस छंद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। रावरो रूप रहियो भरी नैननी, बैनन के रसो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे ही, बात तुम्हारी ये बात बखानो, उधो हहा हरिसो कहियो तुम, हो नहीं थे यह हो नहीं मानो, या तनते बिछरे तो कहा, मनतें अनतें जो बसो तब जानो। गोपियों का कथन उद्धव के प्रति है। गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता को प्रकट कर रही हैं। उद्धव के द्वारा दिए गए योग साधना के उपदेश को सुनकर गोपियां उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण से जाकर कह देना कि गोपियों के नेत्रों में तुम्हारा ही रूप समाया हुआ है, वे तुम्हारी ही बातें करती रहती हैं और तुम्हारी ही बातों के रस से उनके श्रवण अर्थात कान सने हुए हैं। वे अपने शरीर में तुम्हारा ही शरीर देखती हैं, अर्थात गोपियाँ प्रेम की अनन्यता के कारण स्वयं को ही कृष्ण मानती हैं। कृष्ण और गोपियों के बीच कोई भेद और द्वैत भाव नहीं है। वे अपनी बातों में सदैव तुम्हारा ही वर्णन करती हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम यहाँ से जाकर कृष्ण से कह देना कि वे यह न समझे कि वे यहाँ नहीं हैं। यदि वे इस शरीर से बिछुड़ गए तो क्या हुआ, किंतु मन से तो वे अन्यत्र कहीं जा नहीं सकते। आलोच्य छंद में प्रेम की दृढ़ता और प्रेम की अनन्यता का सुंदर निरूपण हुआ है। यदि मन पास है तो वियोग है ही कहाँ। इस छंद में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ हा हा में विप्सालंकार भी है। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। तब ही लो श्रृंगार रसु, जब लगी दंपति प्रेम, मलिनी होत रस प्रेम बिन, ज्यो कलई को हेम। आलोच्य दोहे में कवि देव ने दंपति के बीच रहने वाले प्रेम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कवि देव कहते हैं कि जब तक दंपति अर्थात पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम है, तभी तक श्रृंगार रस है। प्रेम के बिना श्रृंगार रस उसी प्रकार मलिन हो जाता है जिस प्रकार सोने की कलई उतर जाने पर नकली आभूषण शोभाहीन हो जाता है। इस दोहे में दंपति के बीच प्रेम की सार्थकता को रेखांकित किया गया है। बागियो बनियो जर तार को तान ही, ओस को हार तन्यो मकरी ने, पानी मय पाहन पोत चलियो चढ़ी, कागन की छतुरी सिर दीने, कांख में बांधी के पांख पतंग के, देव सुसंग पतंग को लीने, मोम के मंदिर माखन को मुनि, बैठ्यो हुतासन आसन कीने। मृत्यु एक चिरंतन सत्य है। सभी व्यक्ति इस सत्य को जानते हैं, फिर वे सांसारिक मोह में अंधे होकर विषय वासनाओं के पीछे पागलों के समान दौड़ते रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना
एक करुण विडंबना है। कवि देव ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने ज्ञान चक्षुओं से जीवन के इस वास्तविक रूप को देखा और अपने जीवन के सांध्यकाल में संसार की क्षणभंगुरता पर बहुत कुछ लिखा। प्रस्तुत सवैया में महाकवि देव ने अपनी वैराग्यमूलक प्रवृत्ति का परिचय बहुत कौशल से वर्णित किया है। महाकवि देव कहते हैं कि यह संसार जरी के धागों से निर्मित एक बागे की तरह है, जिसमें माया की मकड़ी ने उस कणों का जाल तान रखा है। यहाँ जीवात्मा पत्थर की नाव पर चढ़कर और कागज की छतरी लगाकर इस संसार सागर में प्रवेश करता है। संसार के सभी लोग पतंगे के पंख को बगल में बांधकर सूर्य के निकट पहुँचना चाहते हैं, किंतु क्या वे ऐसा कर पाते हैं? क्या वे जल नहीं जाएंगे? इसका तात्पर्य यह है कि इस संसार में मनुष्य नश्वर महत्वाकांक्षाओं और अभिलाषाओं के चक्कर में पड़कर बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु मृत्यु के आगे उसके सारे प्रयत्न असफल सिद्ध हो जाते हैं। इस मोम के मंदिर रूप संसार में अग्नि रूपी जीवात्मा मक्खन के मुनि रूप शरीर में वास करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ अग्नि मक्खन और मोम होंगे, वहाँ क्या उनके विनाश में विलंब होगा या नहीं? यहाँ पर संसार की असारता पर व्यंग किया गया है। ब्रजभाषा में रचित आलोच्य सवैया छंद में महाकवि देव की वैराग्य भावना का निवृत्तिमूलक दर्शन परिलक्षित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि देव की यह वैराग्य वृत्ति उनके पूर्ववर्ती भोगवादी जीवन के अतिशय उपभोग की परिश्रांति और उनके सांसारिक जीवन की असफलताओं की प्रतिक्रिया थी। प्रस्तुत छंद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। महाकवि देव हिंदी साहित्य के रीतिकाल में रीतिबद्ध परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। आपने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें 16 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं। आप मूलतः श्रृंगारिक कवि थे। कुछ लक्षण ग्रंथों की रचना के कारण आप आचार्य भी थे, किंतु साहित्य में आपकी पहचान एक कवि के रूप में अधिक प्रतिष्ठित हुई है। आपके उत्तरकालीन जीवन में आपको इस संसार से विराग की अनुभूति होने पर आपने जीवन की असारता पर भी बहुत कुछ लिखा है। महाकवि देव के काव्य में रीति परंपरा की सारी सीमाएं होते हुए भी एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जो जीवन को यथासंभव समग्र रूप में देखती हुई भावनाओं को वासना और विलास की निचली सतह से ऊपर उठाकर गंभीर प्रेम के उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित करती है। ऐसा नहीं है कि देव ने विलास की सूक्ष्मताओं में प्रवेश नहीं किया अथवा अपने काव्य में श्रृंगार के चित्र प्रस्तुत नहीं किए। उन्होंने श्रृंगार और विलास के वर्णन के बीच आत्मसंयम और आत्मानुशासन के परिवृत्त में श्रृंगार और प्रेम की उदात्त भूमिका को विस्मृत नहीं करते हुए उसका समुचित निर्वाह भी किया है। देव निश्चय ही रससिद्ध कवि थे। प्रेम के अभाव में आपने श्रृंगार को नीरस समझा था। वे एकनिष्ठ प्रेम के प्रशंसक थे। आपका प्रेम विषयक दृष्टिकोण रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों का मध्यवर्ती है। आपका श्रृंगार काव्य रीतिबद्ध है, पर उसकी प्रेमानुभूति सर्वथा विलासमयी नहीं है। देव ने रूप का चित्रण करते हुए वस्तुमुखी दृष्टि रखी है, पर उसके प्रति मानसिक उल्लास व्यक्त किया है। वासनामयी प्रवृत्तियों के बीच आपका प्रेम वर्णन ऐन्द्रिक और उपभोगमूलक है। संयोग श्रृंगार के प्रसंगों में आपने हास परिहास, प्रकृति चित्रण और विहार आदि का वर्णन किया है। आपके द्वारा विरचित विरह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण तथा उहात्मक है, पर उसमें मन की गंभीर अवस्थाओं का विनियोग भी हुआ है। आप परंपरा से अलग नहीं, किंतु केवल परंपरा के प्रति भी नहीं हैं। आपके काव्य में चमत्कार प्रियता तो है ही, साथ ही भावावेग को प्रकट करने का प्रयास भी कम नहीं है। आपकी वैराग्य भावना निवृत्तिमूलक है, क्योंकि वह बुद्धि का तत्व चिंतन है, अनुभूति का विषय नहीं। आप रसवादी आचार्य हैं और आपने रस को आनंदमय आध्यात्मिक अनुभूति माना है।
कुछ अपवादों को छोड़कर आपका रीति विवेचन मौलिक उद्भावनाओं से परिपूर्ण नहीं है। विस्तार भेद तथा वर्ग स्थापना में आपकी मौलिकता दिखाई पड़ती है। आपकी चित्रण कला सूक्ष्म कौशल की परिचायक है। शब्दों के द्वारा निर्मित चित्र सृष्टि में आपकी वर्ण योजना और रंगों का मेल एक अद्भुत सौंदर्य का प्रतिमान उपस्थित करता है। आपका अन्वेषण एवं चित्रशिल्प चमत्कारपूर्ण और असाधारण है। आपने ब्रजभाषा की सरसता और सहजता को बनाए रखा है। रीतिकाल में अनेक कवि हुए हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, किंतु इन सबके बीच महाकवि देव की अपनी एक अलग पहचान है। देव चाहते तो अपनी प्रतिभा के बल पर सब कुछ बन सकते थे, किंतु दूसरे चाहते तो वे देव नहीं बन सकते थे। इस दृष्टि से देव का काव्य सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनीन होने के कारण श्रृंगार साहित्य में आज भी प्रासंगिक है।